कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद सीएम कौन, कांग्रेस में मंथन। आज शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। सभी जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु पहुंचने के लिए कहा गया। सीएम रेस में आगे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के समर्थक अलग अलग दावे कर रहे। सिद्धारमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में सिद्धारमैया के आवास के बाहर पोस्टर लगाया। पोस्टर में सिद्धारमैया को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया गया। डीके शिवकुमार के घर के बाहर भी लगाए गए पोस्टर्स। डीके शिवकुमार के समर्थकों ने पोस्टर लगा डीके को भावी सीएम बताया। बेंगलुरु के होटल शंग्रीला में होगी विधायक दल की बैठक। होटल की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। शंग्रीला होटल में विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केसी वेणुगोपाल पार्टी के संगठन महासचिव, रणदीप सुरजेवाला महासचिव सहित तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। विधायक दल की बैठक से पहले सक्रिय हुए सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के घर पर समर्थक एमएलए का पहुंचना शुरू। बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बोम्मई ने बीजेपी की हार के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा। बसवराज बोम्मई ने कहा, जनता के फैसले का सम्मान है। 36% से ज्यादा वोट मिलने के बावजूद हमें कम सीटें मिली। विश्लेषण करेंगे और जहां जरूरत होगी सुधार करेंगे। बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार चुनाव हारे। करारी शिकस्त पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम शेट्टार, पूरी बीजेपी का टारगेट था मुझे हराना। हुबली धारवाड़ सीट पर 34,000 से ज्यादा सीटों से हार गए जगदीश शेट्टार। शेट्टार ने कहा, बीजेपी उम्मीदवार ने वोटर्स को पैसे बांटे। कर्नाटक में 38 साल बाद कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की। जीत के साथ ही अब दक्षिण के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं रह गई। 5 महीने पहले हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के हार को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया। कहा, देश में अब धार्मिक गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ललन सिंह बोले, हार से स्पष्ट हो गया कि जो लोग बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए केवल नैरेटिव सेट करते हैं, विभाजन करते हैं, वो देश में नहीं चलेगा। ललन सिंह ने कहा, बीजेपी हर चुनाव में धार्मिक भावनाओं को भड़काती है। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का विज्ञापन करने में विश्वास नहीं रखता। कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद विपक्ष खुश। ममता बनर्जी ने बयान जारी किया। कहा, यह 2024 की शुरुआत है। ममता बनर्जी ने कहा, अहंकार दुर्व्यवहार एजेंसी पॉलिटिक्स के खिलाफ लोगों ने वोट टू नो बीजेपी आह्वान किया। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक में केवल मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत की दुकान पर लोगों ने ताला लगा दिया। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर तंज कसा। कहा, बजरंगबली की गदा भ्रष्टाचारियों पर पड़ी, जहां भी पाप होगा हनुमान की गदा पड़ेगी। संजय राउत ने कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी पर वार किया। कहा, कर्नाटक में भाजपा आर्मी की हार हुई है। कर्नाटक झांकी है, महाराष्ट्र और देश अभी बाकी। संजय राउत ने कहा, कर्नाटक की जनता ने भाजपा को हराया है। कर्नाटक में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की हार भाजपा की वजह से हुई। यूपी के 17 नगर निगमों के नतीजे सामने आए। सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन और आगरा में 1 लाख से ज्यादा अंतर से विपक्ष को हराया गया। गोरखपुर में सपा प्रत्याशी ने रिजल्ट आने के बाद हंगामा किया। इसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रिकाउंटिंग कराने की मांग की। नगर निगम चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद मायावती ने बीजेपी पर वार किया। कहा, यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी के साम दाम दंड भेद जैसे अनेकों हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। मायावती ने कहा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। चंदौरी में पहली बार चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज हुआ किन्नर। मारपीट, हंगामा, बवाल, भरी रही काउंटिंग। जीत के बाद भी विवाद शुरू हुआ। बीजेपी की रिकाउंटिंग की मांग को लेकर लड़ाई शुरू हुई। निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर और उनके समर्थकों और भाजपाइयों में मारपीट हुई। बड़ी संख्या में इकट्ठा किन्नर और समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, कुर्सियां तोड़ी गई, जमकर नारेबाजी हुई। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर हाई अलर्ट। अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर। अनंतनाग में अंदमान सागम इलाके में आतंकियों को घेरा गया। सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकियों को घेरा, एनकाउंटर जारी, पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। बिहार पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कल होगा बाबा के भक्तों के कष्टों का निवारण। लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। बागेश्वर सरकार के बिहार आने के बाद पूरा बिहार भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। बाबा के दरबार में नेपाल भक्त पहुंचते हुए नजर आए। बिहार में बाबा बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम पर आतंकी हमले का खतरा। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के बाद जिला प्रशासन ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट जारी किया। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आतंकी या उग्रवादी हमले हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने
24 घंटे में पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए। अपने लाइव शो के लिए कोलकाता पहुंचे सलमान खान ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। भाईजान और ममता बनर्जी की यह मुलाकात 30 मिनट तक चली। ममता बनर्जी अपने घर के बाहर भाईजान को रिसीव करने के लिए खड़ी नजर आई। सीएम ममता ने सलमान खान के गले में शॉल डालकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिरसा जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन, चोरमार खेड़ा, डब्बवाली और अबूशहर में जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कार्यक्रम के दूसरे दिन गौशाला पहुंचे सीएम। सीएम खट्टर ने गौवंश को चारा डालकर दिन की शुरुआत की। सीएम खट्टर ने सिरसा औड़ा जलाल आना बस को दिखाई हरी झंडी। लंबी गांव में राजकीय महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे सीएम। तेजी से आगे बढ़ रहा चक्रवात मोचा, मोचा के तेज होने की आशंका। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में अगले कुछ घंटों में तीव्र होकर प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदल सकता है मोचा। बांग्लादेश सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में चेतावनी जारी, मोचा मचा सकता है तबाही। एनडीआरएफ ने उत्तर 24 परगना की बांग्लादेश सीमा से लगे हिगलगंज, हसनाबाद और संदेशखाली इलाकों में चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने कहा तूफान को लेकर घबराएं नहीं बल्कि समुद्र से दूरी बनाए रखें। दिल्ली समेत उत्तर मध्य भारत में चढ़ा पारा, भीषण गर्मी का दौर शुरू। मौसम विभाग ने 17 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी, मुंबई ठाणे सहित कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। बिहार में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने हल्की बारिश का लगाया अनुमान। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू, मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आरजेडी जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चेन्नई में राजभवन में इंटरनेशनल मदर्स डे समारोह का आयोजन, राज्यपाल आर एन रवि ने समारोह में हिस्सा लिया। इंटरनेशनल मदर्स डे पर साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजकोट पुलिस की पहल महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। आज जारी होंगे सीआईएसईसी 10वीं और 12वीं के नतीजे, सभी छात्र ऑनलाइन देख सकेंगे परीक्षा का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा आज है, दो पाली में परीक्षा हो रही है। एनसीबी और भारतीय नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी, कोची के समुद्र से 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त। ड्रग्स की कंसाइनमेंट इराक से ऑस्ट्रेलिया ले जाई जा रही थी, ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने आप सांसद राघव चड्ढा के साथ धूमधाम से सगाई की। दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई सगाई समारोह में लगा सियासत और बॉलीवुड की हस्तियों का जमावड़ा। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई में मेहमान बनकर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सगाई के मौके पर ऑफ व्हाइट ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आए परिणीति और राघव। मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए मैचिंगलेस दुपट्टे के साथ पेयर किया था राघव का पेस्टल कलर का कुर्ता। लिंडा याकारिनो बनी ट्विटर की नई सीईओ, एलन मस्क ने किया ऐलान। लिंडा मुख्य तौर पर बिजनेस ऑपरेशंस पर ध्यान देंगी। फिलिस्तीन इसराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा, पिछले 5 दिनों से जारी थी खूनी जंग। यूक्रेन ने रूस के 2 फाइटर जेट ढेर किए, 2 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए। अमेरिकी एस्ट्रो फोटोग्राफर ने खींची चंद्रमा की अब तक की सबसे शानदार फोटो, हाई क्वालिटी वाली तस्वीरों में चंद्रमा की सतह सुंदर तरीके से दिखाई। अमेरिका में व्यूज के चक्कर में क्रैश कर दिया अपना प्लेन, अब यूट्यूबर की बड़ी मुश्किल है। यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल भेज रहा ब्रिटेन, के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने जानकारी दी। स्पेन में भीषण गर्मी का कहर जारी, गर्मी से 10 दिनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत। मेक्सिको में मदर्स डे के दौरान लापता लोगों के माता पिता ने किया मार्च, लापता लोगों के सकुशल वापसी की मांग। चीन का तियानझोस 6 मालवाहक जहाज अंतरिक्ष पर रवाना हुआ। सलमान खान की नन्ही भांजी आयत ने कॉपी के मामू के डांस मूव्स, एक्टर ने शेयर की प्यारी वीडियो। रेड हॉट ड्रेस में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई उर्वशी रौटेला, दिखी बेहद खूबसूरत। बर्थडे पर पति के साथ डिनर पर गई सनी लियोनी, रेड ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिखी, पेपराजी के साथ काटा केक। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई गौहर खान, नन्हे बेबी को गोद में लिए दिखी।
एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा करते हुए वीडियो शेयर किया। अदा ने कैप्शन में लिखा, मेरी एनर्जी का सीक्रेट मंत्र जो मुझे विरोध को सहने की शक्ति देता है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म में विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी अहम रोल में नजर आएंगे।